माननीय मंत्री जी, यू पुट इट इन इंटरवेंशन। महोदय, जब ये बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ तब मैंने कहा था कि ये बिल उन लाखों करोड़ों शरणार्थियों की यातना का अंत करने वाला बिल है जो आज नरक का जीवन जी रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये भाई आप बोल, माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक बार मेरा निवेदन है, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। सारे लोग बोले, हमने धैर्य से सुना है, बात सच्ची हो, हमें ठीक लगे न लगे, हमारे विचार से इत्तेफाक रखती हो न रखती हो, सबको धैर्य से सुना है। मेरा आपके माध्यम से सभी सदस्यों से निवेदन है कि अब मुझे भी धैर्य से सुना। माननीय सदस्यगण, और बीच में टोकाटाकी न करें। एक मिनट, आसन से व्यवस्था कर दूं मैं। माननीय सदस्यगण, व्यवस्था सब मानेंगे ना? बीच, माननीय सदस्यगण, सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि इस सदन में एक अच्छी बहस हुई है, चर्चा हुई है, और सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। जितना समय आवंटित था उस आवंटित समय से ज्यादा समय सभी राजनीतिक दलों को भी दिया है, व्यक्तिगत सदस्यों को भी दिया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि हम सबको इस महत्वपूर्ण विधेयक पर गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुनना चाहिए, उसके बाद सदन तय करेगा कि आप जो फैसला करेंगे उस विधेयक के बारे में। अंतिम फैसला आप सबकी सहमति से होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे बिल को प्रस्तुत करने के बाद श्री मनीष तिवारी से लेकर श्री राजू बीच तक सभी दलों के 48 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष दोनों के इस बिल की चर्चा में हिस्सा लिया है। महोदय, मैंने पहले ही कहा कि बिल लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नर्क जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है, और मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे, उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम ये बिल के माध्यम से, जब ये बिल पारित होगा, हो जाएगा। अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन भी हुआ है, मगर मैं एक एक कर सभी का जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बिल के बारे में जो अपप्रचार हो रहा है, जो भ्रांति फैलाई जा रही है, मैं नहीं चाहता कि इस बिल के माध्यम से, इस सदन की चर्चा के माध्यम से भारत के किसी भी कोने में वो भ्रांति फैले, ना वो भ्रांति टिक पाए। माननीय सदस्य प्लीज, उनके प्रॉब्लम है, उनकी समस्या है,
सभापति महोदय, श्री मनीष तिवारी जी ने सबसे पहले और बाकी काफी सारे सदस्यों ने, अंत तक श्री प्रेमचंद्रन जी और बाकी सारे सदस्यों ने, शशि थरूर जी ने भी आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए इस बिल को गैर संवैधानिक करार दिया। मैं माननीय अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों को, सदन को और आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को, सदस्यों के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि किसी भी डायमेंशन से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है, ना आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार दिया है उसके तहत मैंने पहले भी कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से आर्टिकल 14 में कोई रोक नहीं है। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हो सकता है मेरी बात सबको अच्छी न लगे मगर सुनने का धैर्य भी रखना चाहिए क्योंकि इसी में से एक कैसे गैर संवैधानिक नहीं है इसका तर्क खड़ा होता है। मान्यवर, अच्छा तो ये था कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता। अगर ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो बिल लेकर मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ ये वास्तविकता है, वास्तविकता को इस सदन ने स्वीकार करना चाहिए। जब विभाजन धर्म के आधार पर होता है तो आप इसको स्वीकारे बगैर आगे नहीं चल सकते हो। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जिस हिस्से में मुस्लिम भाई ज्यादा रहते थे उस हिस्से में को पाकिस्तान के नाम से अलग देश बनाया गया और भारत का बचा हुआ हिस्सा भारतीय संघ के नाम से प्रस्तापित हुआ जो आज हमारा भारत देश है। आगे चलकर पाकिस्तान के में भी पश्चिम पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश में तब्दील हुआ मगर बीच में एक विभीषिका आई, दोनों ओर से शरणार्थियों का आना जाना, मार काट, बलात्कार, लूट, ढेर सारे परिवारों ने यातना को झेला है। जिन्होंने विभाजन की यातना को झेला है वो ही बता सकते हैं मान्यवर कि ये यातना कितनी कड़ी और कठिन। मगर इसके बाद क्या हुआ मान्यवर, नेहरू लियाकत समझौता हुआ। 1950 में दिल्ली में एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ और वो समझौते के तहत ये निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे, भारत भी रखेगा पाकिस्तान भी रखेगा और बाद में बांग्लादेश बना। मान्यवर, मैं ये सब इसलिए बताता हूं कि ये जो बिल लेकर सरकार आई है इसकी एक पृष्ठभूमि और ये दोनों देशों के सरकारों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हैं उनके ही पाकिस्तान ध्यान रखेगा, यहां पर भी जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, उसका हिंदुस्तान ध्यान रखेगा, भारत ध्यान रखेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं मान्यवर, ऐसा हुआ नहीं। मैं उस पर बाद में आऊंगा मगर 1950 का नेहरू लियाकत समझौता मान्यवर धरा का धरा रह गया। अब मैं जरा जिन तीन देशों से लघुमति को हम नागरिक बनाने का वादा इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, माइनॉरिटी को नागरिक बनाने का वादा कर रहे हैं, वो तीन देशों के संवैधानिक स्टेटस पर जाना चाहता हूं, उनके राज्य की स्थिति पर जाना चाहता हूं। मान्यवर, अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया है, पवित्र धर्म इस्लाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब वहां पर इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दी है। पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना तब तो
उसका संविधान सेक्युलर था। 77, 78 और 1988 में इसमें बदलाव किया गया और इसमें लिखा गया रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। ये तीनों देशों के अंदर राज्य धर्म इस्लाम है, इसको मान्यता हमने नहीं दी है मान्यवर। वहां के मैं आता हूं, सब बोलूंगा भाई, एक एक चीज का जवाब दूंगा। बाद में आपको चाहिए तो कल सुबह तक बैठूंगा, मुझे टोकिए मत। मान्यवर, तीनों राज्यों के देशों के जो धर्म संविधान के अंदर लिखे गए हैं वो बताना इसलिए जरूरी है कि वहां पर माइनॉरिटी को न्याय मिलने की संभावना इसी से क्षीण हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। मान्यवर, उसके बाद में मैं क्या हुआ डिटेल में बहुत सारे सदस्यों ने बताया है, कितनी प्रताड़ना हुई, कैसी घटनाएं हुई वो बाद में बताऊंगा, मगर ये दोनों तथ्य बताने के बाद मैं ये स्थिति पर इस स्थिति से आगे सदन को ले जाना चाहता हूं कि जो उसके बाद में 40-50 साल में हुआ वो क्या हुआ। मान्यवर, 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। मान्यवर, बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर, कहां गए लोग, कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग विरोध करते हैं, ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है? क्या दोष है उनका? उनको इस प्रकार से छीन कर दिया गया। हम चाहते हैं मान्यवर कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ दुनिया के फर्ज है। मान्यवर, इनको बिठा दीजिए, इनको बिठा दीजिए जरा। और मान्यवर, बैठ जाओ भाई, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं, मैं इस पर भी आता हूं। मान्यवर, ठीक नहीं है, मान्यवर ठीक नहीं है, इनको आपको रोकना चाहिए मान्यवर। और आप लोग, पूरी दुनिया देख रही है, भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ। मान्यवर, भारत के अंदर 1951 में, भारत के अंदर 1991 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहां पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951, सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम, मान्यवर, 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना। परंतु धर्म के आधार पर अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्वीकारना। मान्यवर, इसलिए अब मैं फिर से आर्टिकल 14 पर आता हूं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि
समानता का अधिकार संसद को कानून बनाने से, समानता का अधिकार जिसमें न हो ऐसे कानून संसद नहीं बना सकती, मैं मानता हूं। मगर ये कोई क्लास के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ है, एक क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारी माइनॉरिटी के लिए हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता मान्यवर, अगर सिर्फ बौद्धों के लिए करते आर्टिकल 14 जरूर सामने रास्ते में आता, सिर्फ हिंदुओं के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 जरूर इसका वायोलेशन होता, सिर्फ सिखों के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायोलेशन होगा। मगर एक प्रताड़ित क्लास के लिए, प्रताड़ित माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून करते हैं तो आर्टिकल 14 कहीं पर। और मान्यवर कई सारे ऐसे कानून हैं, ये सारे विद्वान लोग बैठे हैं मुझे जवाब दे, अगर आर्टिकल 14 के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते हैं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे कानून बनाए हैं अभी? तो ये बात में तो बैठ जाइए, मैं बताता हूँ, बैठ जाइए, बैठे ओवैसी जी, ओवैसी जी एक मिनट बैठिए ना। तो वो आर्टिकल 14 को वायोलेट नहीं करती है? क्यों नहीं करता है? वो भी करेगा मान्यवर, मान्यवर मुझे रक्षण देना चाहिए, मैंने सबको सुना है, मुझे सुनना चाहिए इन लोगों को। बैठ जाइए कल्याण बनर्जी, बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर ये बिल, आप बैठ जाइए, नहीं ऐसे नहीं बैठाना पड़ेगा मान्यवर, ऐसे भाषण नहीं हो सकता। मान्यवर मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जो बिल है वो किसी के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव से युक्त नहीं है, केवल और केवल उन लघुमतियों के प्रति ये बिल एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है जो ये तीन देशों के अंदर प्रताड़ित है, और जो प्रताड़ित है वो शरणार्थी, वो शरण में आता है मान्य, वो घुसपैठिया नहीं हो सकता, वो भाग कर आया है, वो वहां से भाग कर आया है हमारी शरण में मान्यवर, वो उसको घुसपैठिए का स्टेटस हम नहीं दे सकते मान्यवर। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार, बताएंगे का जवाब सुनो माने सदस्यगण, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप पूरा जवाब सुनो, बीच बीच में टोका टोकी नहीं किए कोई, और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को कहता हूं, किसी भी माननीय सदस्य को बैठे बैठे वक्तव्य देने की इजाजत नहीं है। अब माननीय सदस्य आसन की बिना परमिशन के खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी जो अनुमति देंगे वो सारे सवालों के जवाब मेरे भाषण के बाद भी दूंगा, कृपया मेरे भाषण में आप मुझे बोलने दीजिए, बाद में आप सवाल पूछे दादा, बीच में खड़े मत हो। तो ये बिल ना आर्टिकल 14 ना 21 ना 25 किसी का वायोलेशन करता है मान्यवर, ये पूर्ण रूप से संविधान की दृष्टि से ये बिल ठीक है।
अपने मनीष जी ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज और यूएन प्रोटोकॉल ऑन रेफ्यूजीज 51 और 67 का हमने साइन किया है, हमने कभी साइन नहीं किया है आपकी। तो क्या बोले, नहीं वो ठीक है, ठीक है, मगर हमने कोई रेफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है। और शशि थरूर जी ने कहा, मैं फिर से श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सदन के सामने रिपीट करना चाहता हूं, ये सरकार मानती है कि कोई रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, हमारा कानून पर्याप्त है, भारत सरकार तय करे वो सारे रेफ्यूजी को शरण दे, कोई रेफ्यूजी की जरूरत पॉलिसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया कि पारसी गुजरात के किनारे आए, एक दूध का ग्लास भेजा राजा ने, उन्होंने अंदर शक्कर डाली और उन्होंने कहा कि हम घुल मिलकर रह जाइए, ये हमारी परंपरा है, पारसी को स्वीकार लिया। मनीष जी भूल गए, पारसी भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए थे, वैसे नहीं आए थे। जब उनको ईरान से भगाया गया, उनका धर्म पारसी धर्म अस्तित्व में खतरे में आया, तब भारत ने शरण दी थी। और आज भी जो जिनको धर्म खतरे में आया, जिनको अपने परिवारों का प्रोटेक्शन करना था वो आए, उन्हीं को हम शरण दे रहे हैं। मनीष जी आपने जो उदाहरण दिया वो आपके ही दलील के खिलाफ है। उन्होंने किया कहा भाई, नहीं मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं मान्य अध्यक्ष जी। उन्होंने एक बड़े शान से एक शेर पढ़ा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मैं यही कह रहा हूं, लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। मान्यवर, ये खता हम नहीं करने वाले, ये खता हम नहीं करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन बेटियों को बहुओं को बचाने के लिए यहां आना पड़े और हम न ले, उसका धर्म बचाने के लिए यहां आना पड़े और हम न ले, हम उसको नागरिकता दे, ये गलती हम नहीं कर सकते। मान्यवर, हम जरूर उनको स्वीकारेंगे, संवैधानिक सम्मान भी देंगे और पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी श्री सावरकर की थी या नहीं थी, इस विवाद में मैं जाना नहीं चाहता, मगर जिन्ना साहब ने जब टू नेशन थ्योरी इवॉल्व करी, प्रचारित करी और विभाजन हुआ, आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया, रोका क्यों नहीं, क्यों रोका नहीं, तो किसने साइन किया? मान्यवर, महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो मां गांधी जी के मृत देह पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर। मान्यवर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था, ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मान्यवर, बाद में पूछो। मान्यवर दयानिधि मारन जी ने कहा कि आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम नहीं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं, और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे हैं, 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। आपको मालूम नहीं है, बोलना सरल है और बोले के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। और मान्यवर, उन्होंने कहा श्रीलंका के लोगों को क्यों नहीं दिया, मैंने सुबह भी जब पुरस्थापन के वक्त विरोध आया था तब कहा था कि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से नागरिकता दी गई है, जैसे विभाजन के बाद
सभी को दी गई, जो आए वो सभी को दी गई। 71 में बांग्लादेश से आए दी गई, दंडकारण्य में 1959 में जो बांग्लादेश से आए दी, तमिलनाडु से, तमिलनाडु के जो भाई लंका से आए उसको भी दी गई। 3 लाख लोगों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि के साथ श्रीलंका की नागरिकता लाल बहादुर शास्त्री और बंदार नायक के बीच 64 में जो समझौता हुआ, ये एक सेकंड, मैं वो वहां से नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इसमें भी लिया था, प्लीज इसमें भी एग्रीमेंट था भाई, इसमें भी एग्रीमेंट था बेटे। उसके बाद में भारत सरकार 5.25 लाख लोगों की वृद्धि के साथ 1979 में दी, उसके बाद शेष रह गए 1.5 लाख लोगों को सरकार के समझौते के तहत या तो वहां जाए या तो वहां जाए ऑप्शन दिया। 75,000 लोग वहां गए, 75,000 लोग यहां है। ये जब नागरिकता दी लंकन तमिलों को, तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी, युगांडा आए तब बांग्लादेश वालों को नहीं दी थी, अफगानिस्तान वालों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी। हर बार जो किया वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, प्लीज मुझे सुन लो ना, प्लीज आप बाद में पूछेगा, बाद में पूछेगा मान्यवर। जब भी नागरिकता के बारे में कोई इंटरवेंशन हुआ है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ है। युगांडा के लिए जब नागरिकता दी तब देश भर से, दुनिया भर से आए सारे लोगों को नागरिकता नहीं दी थी, सिर्फ युगांडा से जो भारतीय आए थे। इसलिए इस बार ये 3 देशों से जो धार्मिक लघुमती आई है इसको नागरिकता दी है। किसी को भी नागरिकता न देने का कोई इसमें दुर्भावना नहीं है, ना तमिलों को है ना लंका से आए हुए शरणार्थियों को, क्योंकि ये एक 3 देशों के जो धार्मिक शरणार्थी आए हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये लेकर आए, इसलिए हो रहा है। तो इसको भी मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूं। एक उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी की व्याख्या बहुत संकुचित है। मान्यवर, हमारी माइनॉरिटी की व्याख्या संकुचित नहीं है। दयानिधि महारन साहब, शायद मेरा हिंदी में वक्तव्य होता है तो ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हुई होगी, मैं आपको बता दूं, मैं यहां के माइनॉरिटी की बात ही नहीं करता। ये पूरा विधेयक वो 3 दोषों में जो धार्मिक माइनॉरिटी है इसके लिए हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। और ये सनातन सत्य है, वो 3 देशों के संविधान के हिसाब से सत्य है कि वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है। इसको कैसे झुठलाया जा सकता है? जब बांग्लादेश, सुनिए बाद में पूछे साहब, बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटी की बात करेंगे, तीनों राज्यों का धर्म जब इस्लाम होगा तो वहां इस्लामिक लोग कैसे, इस्लाम के अनुयायी कैसे माइनॉरिटी हो सकते? हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है। वहां के संविधान का प्रोविजन ऐसा है जो मुस्लिमों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देता है, इसलिए नहीं। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं। और यहां चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है मान्यवर। वहां पर जो वहां की स्थिति है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम धर्म के अनुयायी वहां माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करे, उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। अगर वो माइनॉरिटी होते तो उनको भी स्वीकार कर लेते। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट, मान्यवर उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी में डर है। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी में कोई डर की भावना नहीं है। है तो भी आपके वक्तव्य से थोड़ा बहुत खड़ा भी हुआ होगा तो मैं मेरे सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री प्रॉब्लम है क्या? आप हमारे सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता, समान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है मान्यवर, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज अभिषेक बनर्जी ने भी
इस पर भाषण किया। उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा बोले। नहीं, मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोले। इन्होंने बोले ना, ये तो कहा ना, मैंने पहली बार सुना भैया। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी? दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाएं, बैठ जाओ, नौ प्लीज। मान्यवर, मान्यवर ये गुस्से क्यों हो रहे? मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा टीएमसी को कुछ कहा। मान्यवर, मैंने तो टीएमसी को कुछ कहा ही नहीं। नहीं माननीय सर, प्लीज 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 दादा, प्लीज प्लीज दादा, आज तो प्लीज प्लीज प्लीज। महादेवर, मुझे मालूम नहीं पड़ता क्यों इतना गुस्से हो गए, मैंने तो टीएमसी का नाम भी नहीं दिया, मैं बोला ही नहीं टीएमसी, मैं तो टीएमसी नहीं बोला माननीय। और माननीय सुरेश, प्लीज 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 माननीय सुरेश, प्लीज 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 प्लीज। आप सब बैठ जाइए। रमेश जी, आप आपस में जवाब पर गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हाँ दादा, उन्होंने कहा, दादा शांति है, उन्होंने कहा कि एक मिनट, एक मिनट, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा के एनआरसी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप। माननीय, इसमें कोई ट्रैप नहीं, एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा, मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहता है, उनको ट्रैप जरूर लग सकता है। माननीय, जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं, उनको हम सफल नहीं होने देंगे, हम नहीं होंगे, ये ट्रैप उनको इसलिए जरूर लग सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, बंगाल के सारे सदस्य दोनों ओर से उद्दिलित, यहां के भी वहां के भी, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लाखों लोगों को जो नागरिकता मिलने वाली है वो सारे बंगाली शरणार्थी है। क्या आप नहीं चाहते कि बंगाली, हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता मिले? आप नहीं चाहते हैं? और मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता इसलिए भी करना चाहता हूं, मैं इसलिए थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये लोग, प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज। मान्यवर, मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से ये बिल जिसके लिए लाया गया है वो तीनों देशों से, पूरब और पश्चिम देश के दोनों हिस्सों में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली तक, यहाँ बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा में भी है, ये सारी जगहों पर जो शरणार्थी नागरिक बनने जा रहे हैं वो सबको कहना चाहता हूं कि एक अपप्रचार हो रहा है कि आप राशन कार्ड निकाल दो वरना आप विदेशी हो जाओगे,
आप एक निकाल दो वरना विदेश लाइनों की लाइनों लगा दी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड हो न हो आपको ये विधेयक शक्ति देगा, आप नागरिक बन सकते हो, किसी को डर। मैं इसलिए कहता हूं मनोहर कि कुछ पार्टियां भ्रम फैलाए कि हम ही आपको बचा सकते, हम बचा लेंगे, आइए राशन कार्ड निकाल दीजिए, आइए एक सर्टिफिकेट ले जाइए, आइए वो ले जाइए। मान्यवर मैंने कहा है डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है अधूरा है पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है भाई, कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। मान्यवर ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो अफवाहों में किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की भी जरूरत नहीं मान्यवर। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि घुसपैठे और शरणार्थी के बीच में अंतर है। जो प्रताड़ित होकर अपनी परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो यहां आता है वो शरणार्थी है, और जो यहां पर अवैध रूप से घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। ये दोनों के बीच में अंतर है ही है और वो है। माननीय सुप्रिया बेन ने कहा कि 370 का मैं जब बिल लेकर आया तो अब 370 के लिए 371 के लिए क्या करना है। मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि 370 और 371 में अंतर है। 371 किसी को अलग संविधान नहीं देता है, 371 किसी को अलग झंडा नहीं देता है, 371 अलग राज्य की या राष्ट्र की मांग करने के लिए किसी को नहीं उकसाता है। 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। मित्रों माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने दूसरा कहा कि श्री सनाउल्लाह का नाम दिया, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। आपके माध्यम से मैं सुप्रिया बेन को कहना चाहता हूं कि विदेशी ट्रिब्यूनल सेकंड कामरूप का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर के तहत जब तक फाइनल ऑर्डर न हो तब तक उनको ये लिस्ट से बाहर रखा गया है। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है और जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत रखा गया है, इसलिए इनके साथ कोई भेदभाव हमने नहीं किया है। इन्होंने कहा कि मेरे भाषण का उल्लेख कर सुप्रिया जी ने सच कहा, मुझे बोलने मेरे से बोलने में गलती हुई थी, इसलिए मैं लोकसभा सचिवालय को दूसरे ही दिन इसको सुधार कर मेरा पत्र भी दिया है और अब मैं मानता हूं कि सुधर ही गया होगा। मैंने ये कहा था कि इसकी सबसे लोगों से चर्चा हुई है, सब लोगों ने सहमति दी है, वो शब्द बदल कर मेरे जो समझ में जो अंतर था, मेरी जानकारी में जो अंतर था उसको मैंने करेक्ट कर लिया है। आपने ठीक ही कहा कि वो गलती हुई थी। माननीय उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। माननीय मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत, मैं बड़े अधिकार के साथ कहता हूं, अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दिया, बिन सांप्रदायिकता जोर जोर से बोलते रहे, मैं भी सुनता रहा क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश था बीच में नहीं बोलता है बोलना है, मगर साहब मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं देखी। माननीय मंत्री जी के अलावा किसी का अंकित नहीं हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी
minutes rest, please. Please sit down. Please sit down. आप बैठ गए. आप भी बैठ जाओ. बैठ गए. क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या? गृह मंत्री जी बैठ जाए. माननीय, उन्होंने कहा कि ये तीन देशों को ही क्यों ले रहे हैं, चीन को क्यों नहीं ले रहे, नेपाल को क्यों नहीं रहे, आप लंका को क्यों नहीं ले रहे, म्यांमार को क्यों नहीं ले रहे. माननीय, मैंने पहले भी कहा कि हर बार नागरिकता पर जब जब भी इस देश में निर्णय हुआ, कोई एक निश्चित परिस्थिति के आधार पर निश्चित प्रकार के समस्या को हल करने के लिए निर्णय हुआ. ये अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटी आई है, इसके लिए निर्णय है, इसलिए किसी के साथ उसका सवाल नहीं है. दूसरी बात, नेपालियों की जहां तक बात है, माननीय, 1950 में 31 जुलाई को भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि अनुच्छेद अनुसार दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में दूसरे देश को नागरिकों को निवास, संपत्ति का स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्य एक समान अधिकार देने के लिए सहमति हुई है और नेपाली नागरिकों को भी अर्जी के आधार पर आज भी आसानी से नागरिकता मिल रही है. इसमें कोई बात नहीं. उनको माननीय सदस्य अगर कोई भी बीच में खड़ा हुआ तो उसको किसी को भी क्लेरिफिकेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी. नेपाल के नागरिकों को आज के कानून से भी नागरिकता लेने में कोई तकलीफ नहीं. माननीय ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं. एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है. हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी. कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं. बैकग्राउंड है ही, हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड. माननीय, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है. हमें कोई नफरत नहीं है. मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए. हमें कोई नफरत नहीं. और आप, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है. इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं. ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन. और माननीय, गोगाई जी ने कहा, बाद में पूरा घोड़े हुआ यार. माननीय, गोगाई जी ने कहा कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य चिंता में, मगर शायद उन्होंने बाद में भाषण सुन लिए, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और समर्थन में वोट करने के लिए भाषण किया. सिक्किम के एमपी खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने उनको व्यक्तिगत भी बुलाकर कहा और मैं अभी भी उनको कहता हूं कि आपके कोई कानून में इससे दखल नहीं होती है. 31F आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है और सीएबी के सारे रूल्स, जब तक आपकी असेंबली ओके नहीं करती, 371F आपको प्रोटेक्ट करता है. इसलिए आपको भी चिंता करने की जरूरत है. और फिर से मैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग माननीय भ्रांति फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा अरुणाचल, तापी गांव जी सुन लीजिएगा, पूरा अरुणाचल इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है
अरुणाचल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा मिजोरम, एमपी साहब सुन लीजिएगा और मिजोरम वाले भी सुन ले टीवी पर, पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिंता करनी चाहिए। मान्यवर, पूरा नागालैंड इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है, पूरे नागालैंड को चिंता करने की जरूरत है। मणिपुर आज प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर हम ये बिल तभी नोटिफाइड करेंगे जब मणिपुर को इनर लाइन परमिशन दे दिया जाएगा। त्रिपुरा के अंदर भी त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी क्षेत्र में सीए भी लागू नहीं होगा, और एक हाई लेवल कमिटी ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो बनाई थी उसको और विस्तृत कर उनके सारे हितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मेघालय लगभग पूरा, थोड़ा हिस्सा छोड़कर सिक्स शेड्यूल के प्रावधानों के अंदर कैप के बाहर है, मेघालय को भी चिंता करने की जरूरत है। आसाम समझौते के अंदर 1985 से समझौता हुआ, मान्यवर, कांग्रेस ने क्लॉज सिक्स को कभी नहीं अमल में लाने की चेष्टा की। हमने क्लॉज सिक्स के अंदर कमेटी बना दी है, आसाम के लोगों को ही कमेटी है, वो स्पीड से अपना काम कर रही है, जो आसाम के मूल निवासियों के सभी अधिकारों की, उनकी भाषा की, उनके साहित्य की, इनकी बोली की, इनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, ये सब चीजों की चिंता करेगी, और वो कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट देगी, तो आसाम को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीटीसी, कार्बी, आंगलोंग, डीमा हसाव, एडीसी सीएबी के बाहर है, और आसाम के छह समुदायों के लिए भी सुबह मैंने कहा इस प्रकार से हम अलग से विचार कर रहे हैं। मान्यवर, इन्होंने एक बात जो स्टेटमेंट किया इसको मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि एनआरसी के अंदर गोरखा, पंजाबी, बिहारी, मारवाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट के रहते हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे, ये सत्य नहीं है। इस स्टेटमेंट ठीक है, माननीय सदस्य बताता हूँ, भाई आप बैठ जाओ ना, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य कट गया। मान्यवर, कोई पंजाबी, मारवाड़ी, बिहार के, ओडिशा के कोई निवासी को घुसपैठिया करार नहीं दिया जाएगा। एनआरसी के अंदर जो भारत के मूल निवासी है वो सबको यहाँ पर ही रहना होगा, और यहीं पर रहने का उनका अधिकार है, वो बंगालियों का भी, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को इस दृष्टि से चिंता करने की जरूरत नहीं। श्री प्रेमचंद्रन जी ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 14 के हिसाब से कहा, मैंने आगे उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा सब माइनॉरिटी को देते हो तो मुस्लिम को क्यों नहीं देते, बहुत अच्छा सवाल है उनका, हर एक के मन में सवाल होना चाहिए, मगर ये जिन तीन देशों के लोगों को दे रहे हैं वहां मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए मुस्लिम को नहीं देते, माइनॉरिटी नहीं है वहां पर, अगर माइनॉरिटी है तो होते तो उनको भी मिलता, मगर वो नहीं है इसलिए नहीं देते। बड़ा सरल जवाब है, इसमें इतना सारा क्लमजी कुछ नहीं है कि जो समझ में ना आए। शशि थरूर जी ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। शशि थरूर जी, कांग्रेस के शासन में जितनी बार भी आजादी के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया वो धर्म के आधार पर ही दिया था। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ, तो जारे सारे जो शरणार्थी आए थे वो हिंदू, ज्यादातर हिंदू और सिख थे, बहुत जैन पारसी भी थे, थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी थे, तो सबको पहली बार, सबसे पहले अगर किसी ने नागरिकता देना का काम किया तो श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपकी सरकार, और देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ था। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, नेहरू लियाकत समझौता अगर स्पिरिट के साथ लागू होता, वहां के अफगानिस्तान के, अरे पाकिस्तान के सिखों के धर्म की, परिवारों की सुरक्षा होती, हिंदुओं की होती, बौद्धों की होती, क्रिश्चियनों की होती, पारसियों की होती, बांग्लादेश के भी होती, तो आज उनको यहां न आना पड़ता। परंतु नेहरू लियाकत समझौता 1950 में जो हुआ वो काल्पनिक समझौता था, वो फेल हो गया,
समय की वास्तविकता पर वो खरा नहीं उतरा और इसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल को लेकर इस सदन के सामने आना। माननीयवर, उन्होंने थोड़ा टॉन्ट में कहा कि पीएम कहते हैं कि सरकार का धर्म संविधान है। मैं पूरी गंभीरता के साथ और सदन के अंदर बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इस सरकार का धर्म और कोई नहीं है, भारत का संविधान ही हमारा धर्म है और भारत के संविधान के आधार पर आगे। मान्यवर, एक विषय चला कि अभी भी मैं इस बात को थोड़ा एलोबरेट इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे दिन इस प्रकार से चित्रण किया गया कि हम मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि ये बिल का इस देश में रहने वाले इस देश के नागरिक मुसलमानों से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय का सवाल नहीं है। परंतु क्यों ये बिल लेकर आना पड़ा तो माननीयवर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने जैसे बताया कि जिस प्रकार से लियाकत नेहरू समझौता विफल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। माननीयवर, 2014 की एक रिपोर्ट बताती है कि 1000 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन किया। बादल साहब ने बताया पवित्र नानकाना साहिब के ग्रंथी की पुत्री जगजीत कौर को जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। हो हल्ला हुआ पूरे दुनिया के अंदर, सिखों ने लड़ाई लड़ी, भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी और बाद में वापिस लाया गया। यूएनएचआरसी के रिपोर्ट के हिसाब से अब सिर्फ 20 ही धार्मिक स्थान अन्य धर्मों के पाकिस्तान के अंदर बचे। माननीयवर, ये क्या बताता है? और जब इतनी प्रताड़ना हो, इतने अत्याचार हो, वहां से कोई शरण में आया, हम उसको शरण न दे क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो सिख है? मान्य सदस्य, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीयवर, मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं रिपीट करूंगा, 1947 में 23% आबादी सिर्फ 3.7% रह गई और बर्बरता, उत्पीड़न और संस्थागत अत्याचार, मैं सोच समझ कर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, संस्थागत अत्याचार से भागे सिखों, हिंदुओं तथा ईसाइयों ने भारत में शरण ली है। उन लोगों को नागरिकता लेने के लिए हम यहां पर आए। माननीयवर, इसी प्रकार से बांग्लादेश बनने के बाद एक शांति और मैत्री की ढाका में संधि हुई 1972 में। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा हस्ताक्षरित हुई। जब तक शेख साहब का देह रहा, वो जिंदा रहे, संधि का बहुत अच्छे से पालन हुआ। मैं आज इस संसद के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके रहते किसी भी धार्मिक लघुमती के साथ, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं हुआ। और अभी अभी जो शासन आया है उसने भी बहुत अच्छा किया है, मैंने बहुत कम हुई है। मैं इसको भी माननीय सर, प्रॉब्लम क्या है आपके? बैठ जाओ। माननीय सदस्य, प्लीज। माननीयवर, इनका नाम ही अधीर रंजन है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। देता हूं। आपका जवाब भी देंगे ना, माननीय सदस्य बैठे से ही। माननीयवर, 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वहां पर जो अत्याचार का दौर चालू हुआ, इसने वहां की धार्मिक लघुमतियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इनकी हिम्मत तोड़ दी। अधिकतर घटनाएं ऐसी हुई जैसे भोला में एक सुनियोजित हमले में अल्पसंख्यक समुदाय की 200 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। क्या हुआ है बताता हूं, सुनिए अधीर रंजन जी, आज सुनिए ना, मैं बताता हूं, सुनिए।
शेख मुजीबी न रहने के बाद क्या हुआ है बताता हूँ। बीएनपी खालिदा जिया जी की पार्टी जब आई गांधी जयंती के दिन नोआखली गांधी जी बंटवारा रोकने के लिए गए थे, उस दिन 2 अक्टूबर 2001 में भोला जिला के चार फसन उपजिला में 8 से 70 साल की और 100 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना गांधी जयंती के दिन क्या हुआ है बताता हूँ। अब सुनो भाई मान्यवर प्लीज मानिए प्लीज मानिए प्लीज मानिए आप नेता सदन है इस तरीके निकले मानिए आप कांग्रेस के नेता हैं प्लीज मानिए मानिए प्लीज प्लीज मानिए प्लीज चलो मान्यवर इनको बैठाइए मान्यवर इनको बैठाइए हर बार खड़े हो जाते। लालमोहन उप जिला में 1000 परिवारों पर मान्यवर हमला किया, 1000 अल्पसंख्यक परिवारों को हमला किया। कबीले धाम में अक्टूबर 1990 में 300 घरों में आग लगा दी। 1991 जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का प्रतिशत 21 था अब 7% से कम रह गया मान्यवर। और मैं आज बताना चाहता हूं कि इतने सारे मेरे पास अलग अलग संस्थाओं के रिपोर्ट है जिसके तहत ये सिद्ध हो सकता है कि वहां पर हिंदू सिख बौद्ध जैन और पारसी क्रिश्चियन लोगों के अपने धर्म का अनुसरण करना वो असंभव रह गया था इसलिए वो यहां पर आए। मान्यवर ढेर सारे मंदिर तोड़ दिए गए ढेर सारे मंदिर तोड़े गए और ढेर सारी जगह पे हुआ। अफगानिस्तान के अंदर भी 1992 के पहले 2 लाख सिख और हिंदू थे, ज्यादातर सिख थे, लेकिन 2018 तक अब 500 बच गए थे, सिर्फ 500। मान्यवर पूरे देश ने देखा था कि धार्मिक भवनों और गुरुद्वार और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। खुले में बनी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में बुद्ध की भव्य प्रतिमा को तोप के गोले दागकर तोड़ दिया गया। अरे तालिबानों ने जब कहर झाया कहां जाते वो बौद्ध सिख हिंदू ईसाई जैन पारसी कहां जाते, वो भारत आए मान्यवर, इसलिए इनको शरण देने का प्रस्ताव है। मान्यवर तालिबान ने सितंबर 98 में एक आदेश जारी किया, पूजा स्थल में मंदिर में गुरुद्वारों में कोई जा नहीं सकता, मुसलमानों की आलोचना कर नहीं सकते, घर की पहचान करने के लिए घर पर पीला एक कपड़े का टुकड़ा लगाना पड़ेगा कि ये नॉन मुस्लिम घर है। इतना अपमानित किया, हिंदू सिख नॉन मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलती है तो एक पीला कपड़ा अपने कंधे पर डालना पड़ेगा क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। इस तरह से वहां आदेश पारित किए गए एक विशेष चिन्ह के साथ, मैं चिन्ह क्या था नहीं बोलता और गरिमा टूटेगी, मगर एक विशेष चिन्ह के साथ एक कपड़ा लगाना पड़ता था मान्यवर। और अगर शुक्रवार को मस्जिद नहीं जाते हैं, नमाज पढ़ो न पढ़ो मस्जिद जाना वरना दंडित होना पड़ता था, हिंदू और सिख महिलाओं को बुरखा पहनना पड़ता था। और मान्यवर ये सारा चला और ये सारे से जो प्रताड़ित आए हैं उनको नागरिकता देने का एक बिल है मान्यवर। मैं आज भी आपको कहता हूं कि इससे मुस्लिमों के साथ जरा भी भेदभाव नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये यहां के मुसलमानों को ये बिल से कोई स्नान सूतक का नहीं, यहां का मुसलमान सम्मान के साथ जी पाएगा, जी रहा है आगे भी जीता रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये बिल केवल और केवल वहां से आने वाले ये 6 धार्मिक लघुमतियों के लिए है और मान्यवर इसमें मुस्लिम का समावेश इसलिए नहीं है कि मुसलमान वहां पर धार्मिक लघुमति नहीं। मुझे बताइए मान्यवर वो जो दादा
दादा मान्यवर, मैं अंत में फिर से एक बार ये सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है। जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर अपने घर की स्त्रियों के इज्जत बचाने के लिए, स्वधर्म में जीने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए यहां आता है वो शरणार्थी है, और वो जो विदाउट परमिशन घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, और ये बिल शरणार्थियों के लिए है, ये बिल धार्मिक लघुमतियों के लिए है। मैं आज जिन सारे लोगों ने भाषण किया है वो सब लोगों को मन से अपील करता हूं, मत बैंक की लालच के कारण आंख अंधी और कान बहरे हुए हैं तो खोल लीजिए, खोल लीजिए। लाखों करोड़ों लोगों को अन्याय हुआ है, लाखों करोड़ों लोगों को अन्याय हुआ है। बताता हूं मान्यवर, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना में जी रहे हैं, 70-70 साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है, वो अपना मकान नहीं ले रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलती है, घर में भूखमरी है, रहने का मकान नहीं है, कोई रोड पर रह रहा है, कोई रेल की पटरियों के पास में जगह पे रह रहा है, कोई वैसे ही घूम रहा है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए, और ये दस्तावेज इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला है कि जो विफल हुए 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री। इतने सालों से मान्यवर ये कहते थे कि हमारी कोई सुने, हमारा दोस्त क्या है? अब ये कह रहे हैं, मैं उनको पूछता हूं, इनका दोस्त क्या था, क्या दोस्त था, तो क्यों नहीं स्वीकारा उनको, क्यों नहीं स्वीकारा? अरे अब तक क्यों नहीं स्वीकारा? मान्यवर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण ये सारी पार्टियों ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, हम नहीं डरते हैं वोट बैंक। मान्यवर आज नरेंद्र मोदी जी ये सब के लिए एक सुवर्ण प्रभात कल का, नरेंद्र मोदी जी के कारण इन लोगों का कल का प्रभात सुवर्ण प्रभात होने वाला है, और संवैधानिक सम्मान के साथ ये मेरे लाखों करोड़ों भाई बहन अपने देश के अंदर सम्मान के साथ जीने की शुरुआत करने वाले। और मान्यवर मैं आपके माध्यम से इतना ही विनती करना चाहता हूं कि एनआरसी और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, एनआरसी करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है, एनआरसी बस। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सभी सदस्यों का जवाब दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।